लेकिन अगर शादी के मौके पर कुछ ना कुछ धमाका धमाल और कांड हो तो शादी हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाती है। और जब कभी यह मेमोरी याद आती है तो यकीन मानिए हंसी के फवारे फूट पड़ते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही हंसी के फवारों का बेहतरीन कलेक्शन। तो चलिए देखते हैं आज की शादियों के कुछ इंपॉर्टेंट कांड। भाई, शादियों में रिश्तेदार, बहने, भैया, फूफा, बुआ सभी नाचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखने लायक नाच अगर किसी का होता है तो वह दूल्हा और दुल्हन का होता है। अब इस दूल्हे को देखिए, यह अपनी ही शादी में कितने बेहतरीन अंदाज से डांस कर रहा है, जबकि ये अच्छी तरह से जानता है कि इस डांस के बैकग्राउंड में जो बैंड बज रहा है वह हकीकत में इसकी लाइफ का ही बैंड बज रहा है, क्योंकि इसके बाद ही तो ये हस्बैंड बनेगा। इसलिए तो केवल बैंड की धुन सुनकर दूल्हा डांस करते करते बैंड हुआ जा रहा है। अब जरा इस दूसरे दूल्हे को देखिए, इसके शरीर पर धीरे धीरे डांस चढ़ रहा है और जैसे जैसे दूल्हे का डांस बाहर आ रहा है वैसे वैसे दुल्हन को भी डांस चढ़ रहा है। और फाइनली अब देखिए, दूल्हा और दुल्हन दोनों का डांस निकल कर बाहर आ रहा है। अभी से ये हाल है तो जिंदगी में आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि आगे चलकर अपनी लाइफ में यह दोनों दुनिया के हर एक स्टाइल के डांस फॉर्म को बकायदा परफॉर्म करेंगे। शादी के वक्त सबसे ज्यादा मजेदार सीन तब क्रिएट होता है जब कोई जबरदस्त दारूखोर शादी में हंगामा करने के लिए आ जाता है। उसके बाद कैमरे की नजर उस पर होती है कि अभी आगे क्या करेगा। यहाँ ऐसा ही सीन इन अंकल ने भी क्रिएट कर दिया। यह दूल्हा दुल्हन के पास पहुंचे और शगुन के पैसे निकालने के लिए उन्होंने अपनी पैसों की पोटली ऐसी जगह से निकाली, कैमरामैन भी हैरान रह गया। रोप पुलिंग यानी कि रस्सी खींचने का खेल आपने खेला भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने शादी के बीच कभी इस तरह का खेल देखा है? अगर देखा है तो चलिए हमारे साथ एक बार और देख लीजिए, क्योंकि इसमें एंजॉयमेंट का लेवल कुछ ऐसा है। पहले तो यह मैडम बड़ा जोर लगा रही थी और रस्सी को अपनी तरफ खींच रही थी, मगर जब सामने वाली पार्टी की तरफ से जबरदस्त शक्ति इस्तेमाल की गई तो मैडम चारों खाने चित हो गई। पूरी शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा मौज मस्ती और मटर गस्ती की फील्ड में किसी का जलवा होता है तो वह होता है दुल्हन का देवर और दूल्हे की साली का। फिलहाल यहाँ पर दूल्हे की साली का जलवा देखिए। शादी के वक्त अगर दूल्हे या दुल्हन का मन भटक जाए तो भैया कुछ ऐसे ही बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ हो गया। एक दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने की रस्म निभा रहा था, मगर लगता है इसका इंटरेस्ट अब चेंज हो गया और अब यह दुल्हन के पीछे खड़ी लड़की से इंटरेस्ट लेने लगा। तभी तो मंगलसूत्र दुल्हन को पहनाने के बजाय उसे ही पहना दिया। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी देखने को मिला। यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी बतौर चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे। आईएएस चंद्रलेखा ने मंगलसूत्र सुब्रमण्यम स्वामी को दिया, जहाँ रस्म के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी को मंगलसूत्र दूल्हे को देना था ताकि वह दुल्हन को पहना सके, लेकिन उन्होंने ये क्या किया आप भी देखिए। वह तो अच्छा हुआ कि स्वामी जी की मैडम उनके बगल में खड़ी थी और उन्होंने सही इशारा सही समय पर कर दिया, वरना बेचारा दूल्हा देखता ही रह जाता और बाद में दुनिया कहती गंगा राम कुमारी ही रह गया। हालांकि आपको बता दें कि यह तो स्वामी जी का एक मजाकिया अंदाज था जो कभी कभी सबके सामने आ जाता है। शादी के बाद सुबह सुबह दुल्हन की विदाई का समय अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को वह सीन देखकर रोना आ जाता है। कभी कभी तो पूरा मोहल्ला एक दुल्हन के पीछे रो पड़ता है, मगर आज का दौर बड़ा उल्टा हो गया है। मोहल्ला तो छोड़िए जनाब, यहाँ दुल्हन खुद ही नहीं रो रही है। देखिए इस नौटंकीबाज दुल्हन को जो रोने का ड्रामा करती है और उसके बाद फिर बाकी सब लोगों से इशारे में कन्वर्सेशन करती है, आखिरी में अपने भैया से कहती है ओए धक्का लगाओ। रिसेप्शन के टाइम पर मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन इतने शांत और गंभीर हैं कि उन्हें देखकर यह लग रहा है कि वह अपनी शादी में नहीं बल्कि किसी और के दुख भरे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अब जरा विदाई के सीन पर गौर कीजिए, जहां पिता अपनी बेटी को विदा करता है और आगे तक छोड़कर आता है, लेकिन बेटी वापस उसके पास आ जाती है। इसके बाद तो वो अपनी बेटी को धक्का देते हुए ससुराल जाने वाली कार पर पहुंचा ही देता है। अब इसके बाद मजा लीजिए शादी विवाह के मौके पर होने वाले खूबसूरत डांस के पलों का। एक साथ इतने सारे डांस आइटम देखने मिल जाते हैं, हो सकता है कि किसी डांस आइटम को देखकर आपको कोई ऐसी घटना याद आ जाए जहां आप भी खुद उपस्थित रहे हों।
यह डांस है या डांस की ओवर एक्टिंग या फिर सच में इस भाई साहब को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है यह तो आप ही डिसाइड कीजिए, मगर फिलहाल तो आप इसके पूरे डांस का मजा लीजिए। अब इस दूल्हे राजा के डांस को देखिए, ऐसा लगता है जैसे पूरी शादी में इनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि कब मुझे नाचने का मौका मिले, और अब इन्हें नाचने का मौका मिला तो इनके रोम रोम में डांस कुछ इस तरह फूट फूट कर बाहर निकला कि बेचारी दुल्हन को शर्म आ गई, लेकिन बाकी सब ने मजे लिए। इन भाई साहब को अपने कुमारे पड़ोसी की शादी पर इतनी खुशी हुई कि उसकी शादी में ही ये बिना नहाए ही डांस करने चले गए। मेरा मतलब है कि बाथरूम से साबुन लगाते हुए सीधा डांस करने के लिए सड़क पर आ गए, और इनके इस डांस को साबुन डांस का नाम दे दिया गया। क्या आप जानते हैं कि शादी विवाह में कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो बहुत ही रोमांटिक होती हैं, और इन रस्मों का पालन दूल्हा दुल्हन को सबके सामने करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दुल्हन के मुंह में मिठाई दबी है और दूल्हे को उसे खाना है, और वह भी बिना हाथ लगाए। हाय हाय हाय, तो इस सीन नंबर एक में दूल्हा जब मिठाई खाने के लिए आगे बढ़ता है तब मिठाई नीचे गिर जाती है, मगर दुल्हन के ओठों का टेस्ट दूल्हे को जरूर पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही सीन नंबर दो में भी होता है, जहां दूल्हा दुल्हन एक ही गिलास से कुछ पीते हैं, और उसके बाद दुल्हन के दांतों में फंसी हुई मिठाई खाने के लिए जब दूल्हा आगे बढ़ता है फिर दुल्हन के ओठों पर एक खूबसूरत सा किस दे देता है। शादी के रिसेप्शन पर दूल्हा दुल्हन को उनके रिश्तेदार ने जो तोहफा दिया उसे वह जिंदगी भर याद रखेंगे। आप भी देखकर मजा लीजिए। अभी तक तो आपने देखा होगा कि शादी के मौके पर दुल्हन ही अपने हाथों और पैरों में इस तरीके से डिजाइनर मेहंदी लगवाती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यह तो दूल्हे राजा ही इस तरीके से मेहंदी लगवा के बैठे हुए हैं। वाकई में अब मुझे यकीन हो गया कि जमाना बदल गया है। वरमाला की सीन में दूल्हा दुल्हन जब एक दूसरे को वरमाला डालने लगे तो उस स्टेज के बाहर दूल्हे के बैठे दोस्त भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद दूल्हे को भी जोश चढ़ गया, वह आसानी से वरमाला पहनने के लिए राजी ही नहीं हुआ। जैसे तैसे दुल्हन ने जयमाला डाली, वह दूल्हे के गले से होकर कंधे पर उतर गए। अब जयमाला डालने की बारी दूल्हे की थी, लेकिन इसके पहले ही इसका एक दोस्त ऊपर चढ़कर आया और दूल्हे की जयमाला को एडजस्ट करने लगा। इसके चक्कर में कैमरामैन से दुल्हन को जयमाला पहनाने का सीन मिस हो गया। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ भी क्रिएट हुआ। दुल्हन जब दूल्हे को जयमाला पहनाने लगी तो सामने स्टेज से माता के जयकारे गूंजने लगे। स्टेज पर खड़े दूल्हे के दिल में दुल्हन के लिए रोमांस घूमड़ घूमड़ कर आ रहा है, और इस बात को केवल दूल्हे के दोस्त ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तभी तो दोस्त ने इशारा क्या किया, दूल्हे ने आगे बढ़कर दुल्हन के गालों पर अपने ओठों की सील ही लगा दी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मस्त मस्त वीडियो फुटेज को देखकर आप भी मस्त हो गए होंगे। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।